जीरो द काइट, जीरो द कॉइन, दोनों ही जीरो द के एप्लीकेशन है। आज हम जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं जीरो द क्या है। जीरो द इंडिया का नंबर वन प्रॉफिटेबल डिस्काउंट ब्रोकर है, जहां हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर्स में बाय ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जीरो द काइट, अगर हमें शेयर्स और कमोडिटी को थोड़ा जान लेते हैं। कमोडिटी में हम तीन टाइप्स में कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कि आपका मेटल्स, एनर्जी और एग्रीकल्चर आते हैं। मेटल्स यानी कि गोल्ड सिल्वर, एग्रीकल्चर यानी कि गेहूं कपास कॉटन कॉफी, और आपका एनर्जी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आते हैं। अगर हमें इन शेयर्स और या फिर इन कमोडिटीज में ट्रेड करना है तो हमें जीरो द काइट को यूज करना पड़ेगा, जीरो द कॉइन। अगर हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो हमें सिर्फ जीरो द कॉइन को यूज करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपके अकाउंट में ये दोनों एप्लीकेशन होने चाहिए। अगर आप एक बिगनर हैं और आप म्यूचुअल फंड में जीरो द कॉइन में निवेश कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप जीरो द काइट में शेयर्स को ट्रैक भी करते रहिए, जैसे कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप शेयर में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।